लेफ्ट साइड में मेरे सीएन टावर है, यहाँ पे ये ट्रेन की रेल कार वो जा रही है। कितना बढ़िया लग रहा, वो सीएन टावर है भाई पूरा। पीछे एक और ट्रक आ रहा हमारे, उससे पहले क्रॉस करेंगे। ये देखो ऐसे जाता ही है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज चढ़ा है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिन। आज फिर मैं आपके साथ अपनी ट्रैकिंग की जर्नी शेयर करने वाला हूं। सो चलो चलते हैं एंड देखते हैं कि आज का दिन हमारा कैसा जाता है। बैठे फिलहाल अपनी गाड़ी में, सब कुछ उठा लेते हैं भाई जाने के लिए अंदर। कीज, हेडफोन्स, वॉलेट, गाड़ी करते हैं बंद। पहले शीशे करते हैं दोनों बंद, इसको करते हैं ऑफ एंड लेट्स गो। भाई आज का मौसम देखो कितना अच्छा है, क्या खूबसूरत मौसम है। और जो लोग पहली बार आए हैं मेरे इस ब्लॉग में, वो देख सकते हैं कि मैं यहाँ काम करता हूँ भाई। यह है सोबीस का वेयर हाउस। डिग्गी खोल लेते हैं एंड ये हमारा सामान है, इसे पहन कर हम हो जाते हैं तैयार और जाते हैं अंदर। सो गाइज, ये हम कर चुके हैं एंटर अंदर। और देखो कितना चकाचक लग रहा है सब कुछ भाई। साफ सफाई तो ऐसे रखते हैं जैसे पता नहीं कौन से दूल्हे की बारात जा रही है। ये साथ में सिक्योरिटी वाले अंकल जी बैठे हैं हमारा स्वागत करते हुए। ये है हमारा भाई गेट ऑफ एंट्री। यहाँ से बस हमने एंटर हो जाना, कार्ड लगाना है और भाई गेट खुल जाना है। ये देखो ये टैप हो गया, ये हम अंदर घुस पड़े। हाँ जी दोस्तों, सो ट्रक कर लिया हमने स्टार्ट, जाने के लिए हो गए हम लोग रेडी। वो पड़ा हमारा बैकपैक जिसके अंदर हमारा खाने पीने का सामान है, वो पानी की बोतलें, पेपर वर्क हमें मिल गए हैं। आज हमें मिले हैं 5-6 स्टॉप्स। सो आज का दिन थोड़ा सा होने वाला लेंथी, मुझे लग रहा है 10-11 घंटे लगने वाले हैं हमको इन स्टॉप्स पर। सो गाइस, ट्रेलर कर चुके हैं हम लोग हुक। अब हम थोड़ा सा ट्रेलर को चेक करने जाएंगे। ये हम रीफर सेट करते हैं ताकि अंदर का जो सामान है वो ठंडा रहे। ट्रेलर वगैरह हमने हुक कर लिया। देखो दोस्तों कितना बड़ा होता है। सो 9544, आप लोगों को अंदर भी दिखाता हूँ जिन लोगों ने नहीं देखा कि अंदर ये कूलिंग कैसे करता है। ये देखो दोस्तों ऐसे भरा होता है ये पूरा का पूरा ट्रेलर। अब हम चेक करेंगे, लेबल लगा होगा, ये लिखा है 9544 एंड ट्रिप नंबर हमारा लिखा है 32। सो वी आर गुड टू गो। बाकी स्ट्रैप्स वगैरह चेक करनी होती है कि लोड सिक्योर है या नहीं है, वो भी सिक्योर है हमारा। सो हम जाने के लिए तैयार हैं। इसको और एंड में इसमें लगानी होती है ये सील ताकि इसे कोई आप बाहर से खोल ना पाए। ट्रेलर हो गया है सील्ड एंड अब हम करेंगे इसकी थोड़ी बहुत इंस्पेक्शन, जो कि होती है इसकी लाइट्स वगैरह चेक करना, टायर वगैरह चेक करना। जब हमने इसकी इंस्पेक्शन कर ली तो फिर हम जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों इंस्पेक्शन कर ली हमने पूरी डन एंड हमारा ट्रेलर हो गया बिल्कुल रेडी। ये है हमारा ट्रक पूरा का पूरा। लाइट्स वगैरह सब कुछ चेक कर लिए, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। सो अब बैठेंगे ट्रक के अंदर। बाकी एक बार मैं आपको अपने वेयर हाउस का लुक दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे भी डॉक्स हैं, ये आगे सारे के सारे ट्रेलर खड़े हैं रीफर वाले, फिर ये सारे के सारे ट्रक खड़े, देखो कितने सारे ट्रक हैं। फिर इधर भी है, इसके पीछे भी डोर्स हैं, उधर की साइड वहाँ पे भी डोर्स हैं। सो मीन्स बहुत बड़ा वेयर हाउस है। और ये अगर आप यहाँ से पीछे देखें तो ये हमें ऐसे ट्रेलर दिखता रहता पूरा का पूरा। सो ये चीज़ है, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ व्यूज़ बड़े कमाल कमाल के आते हैं, बिकॉज मैं जा रहा हूँ टोरंटो, वहाँ पर आपको सीएन टावर भी दिखाऊँगा व्यू में। सो लेट्स गो। अभी फ़िलहाल हम जहाँ से हमने काम स्टार्ट किया वहाँ से हम बाहर निकलने वाले हैं। वो सामने से एक ट्रक आ रहा है, हम पहले उसको जाने देंगे। हमने उसको इशारा कर दिया। वो देखो दोस्तों, अगर आपको पूरा ट्रक देखना है तो ऐसे होता है ट्रक, ये देखो सामने जा रहा। ये जा रहा है ट्रक, अब हम अपना ट्रक निकालेंगे, वो निकल गया। तो लेट्स गो। अगर नहीं निकालेंगे तो भाई यहाँ पे तो ऐसे ट्रक आते रहेंगे बार बार।
हम निकाल ही नहीं पाएंगे। जल्दी हो सके अपना ट्रक निकाल लेना चाहिए। आज मौसम बड़ा ही अच्छा है, ठंडा ठंडा मौसम है, बारिश के आसार है पूरे पूरे आज। यार कोई इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, यहाँ पे ज्यादातर जो ट्रक होते हैं ना वो ऑटोमेटिक होते हैं, मैनुअल ट्रक चलाने बहुत कम लोगों को आते हैं। मेरे पास मैनुअल ट्रक है, एक बार एक्सपीरियंस हो जाए फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट एक्सपीरियंस होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, और खासकर ट्रक। कार मैनुअल हो तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, बट ट्रक मैनुअल चलाना सीरियसली बहुत हार्ड काम है। ये हम अपने सिक्योरिटी चेक पे पहुंचने वाले हैं, ऐसा होता है हमारा सिक्योरिटी चेक, यहाँ पे ये हमारा पेपर वर्क देखेंगे और बस उसके बाद ये एक बस पंच इन करके हमें जाने देंगे। सो सिक्योरिटी चेक करवा लेते हैं। हमारा हो गया सिक्योरिटी चेक, निकल गए हैं बाहर। सिक्योरिटी में कुछ खास नहीं है, कौन से बॉर्डर की सिक्योरिटी है, ये खाली यही चीज चेक करते हैं कि कौन सा ट्रेलर लेके जा रहे हो और कहाँ जा रहे हो, पेपर वर्क में सब लिखा होता है। और सिक्योरिटी वाले अपने स्टूडेंट्स ही होते हैं इंडिया से। सो गाइस हम निकल चुके हैं अपने वेयर हाउस से बाहर, तैयार है अपने डेस्टिनेशन में। व्यूज दिखाता हूँ आपको आगे के, और ये हम अपने वेयर हाउस से बाहर निकले जा रहे हैं। ये कुछ ऐसा व्यू है, ये पीछे से आपको दिखाता हूँ ट्रेलर पूरा। स्टॉप साइन है, फिलहाल तो हम जाएंगे तेल डलवाने, बिकॉज तेल है बहुत ज्यादा कम। यहाँ से उठा के यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नीचे पंप हो जाता है स्टार्ट। जो ट्रैक्टर के टैंक होते हैं वो दो होते हैं फ्यूलिंग वाले, एक हमने फुल कर लिया एंड दूसरा हमने स्टार्ट कर लिया फ्यूल करना। सो दोनों को भरने के बाद फिर हम चल पड़ेंगे, बिकॉज़ बहुत दूर दूर जाते हैं, सो दोनों टैंक भरने बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मैं थोड़ी देर फ्री बैठा हूँ, सो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ट्रकिंग की कुछ बातें शेयर कर लूँ। जो लोग ट्रकिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या जो लोग कनाडा आने का सोच रहे हैं और ट्रकिंग में जाना चाहते हैं, अगर उनको नहीं पता कि ट्रकिंग का बिजनेस कैसा है या क्या उन्हें देखने को मिलेगा, सो मैं आपको कुछ आइडिया दे देता हूँ। लाइक ट्रकिंग के मोस्टली दो बिजनेस होते हैं, फॉर एग्जांपल आप लॉन्ग हॉल ड्राइव कर सकते हैं एंड आप सिटी में ड्राइव कर सकते हैं। लॉन्ग हॉल ड्राइव अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो कनाडा वाइड भी हो जाता है, जहां आप सिर्फ कनाडा में रहेंगे, दूर दूर जाएंगे, एंड फिर लॉन्ग हॉल यूएसए वाइज हो जाता है, लाइक फिर आप अमेरिका भी जा सकते हैं, वहाँ पे अलग अलग स्टेट्स में जा सकते हैं, जैसे कि नॉर्थ कैरोलिना, कैलिफोर्निया। मैंने वहाँ पे 6-7 महीने काम किया, सो वो भी बुरा नहीं है, बिकॉज अगर आप स्टार्टिंग में अगर आप ट्रकिंग में आना चाहते हैं, सो हाँ ये भी बोल पड़ी बीच में हमें डिस्टर्ब करने के लिए, सो वो भी बुरा नहीं है। बिकॉज बात यह है कि जब आप लॉन्ग में चलाते हैं आपका हाथ अच्छे से टिक जाता है ट्रक पे। सो सिटी में स्टार्टिंग में चलाना बहुत मुश्किल होता है, जो लोग सोच रहे हैं कि वो आते ही सिटी में ट्रक चला लेंगे, सो दैट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज सिटी में छोटे छोटे टर्न्स होते हैं, टाइट बैकिंग होती है। सबसे ज़्यादा ट्रकिंग में इंपॉर्टेंट है बैकिंग, ये आप सबको पता है, क्योंकि सीधा तो कोई भी चला लेगा, पर जब बारी आती है ट्रक को बैक लगाने की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तभी होती है। सो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पहले आप लॉन्ग हॉल चलाएं, चीज़ें सीख लें, उसके बाद आप सिटी में आएँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जिसमें हर किसी को इंटरेस्ट है वो है ट्रकिंग में पैसा कितना है। बहुत लोगों से सुनने को मिला है कि भाई ट्रकिंग में इतना पैसा है कि आप सोच नहीं सकते। ट्रकिंग में पैसा है नो डाउट, बट उतना पैसा कमाने के लिए जितना लोग कहते हैं, आपको कम से कम ट्रकिंग इंडस्ट्री में
6 से 7 से 10 साल तक भी देने पड़ते हैं, बिकॉज जब तक आप कंपनी ड्राइवर हैं तब तक आप मिनिमम वेज ही कमा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मिनिमम वेज भी वेयर हाउस से कहीं बेटर है। लाइक अगर आप कंपनी ड्राइवर हैं तो आप सिटी में जॉब करते हैं, नॉर्मल जॉब करते हैं, तो आप 5 से लेके $6,000 तक मंथली कमा लेंगे। लेकिन वहीं पे अगर आप लॉन्ग हॉल ड्राइव करते हैं, मीन्स अमेरिका जाते हैं या कैनेडा वाइज जाते हैं, वो भी सिर्फ कंपनी ड्राइवर, तो आप वहाँ पे $8,000 से $9,000 तक कमा लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास खुद का ट्रक है, खुद का ट्रेलर है, एंड आप ओनर ऑपरेटर हैं, ओनर ऑपरेटर वो होते हैं जिनका खुद का होता है सब कुछ, एंड सारे एक्सपेंसेस निकाल के अगर वो बहुत अच्छा काम करते हैं, सो वो 12 से लेके $13,000-13,000 तक मंथली कमाते हैं। एंड जो लोग हैवी चीज़ लोड करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जिन लोगों को, कोई कोई लोग तो घर तक लेके जाते हैं, घर पूरा ट्रेलर पे बिठा के एंड क्रेन्स लेके जाते हैं बड़ी बड़ी, सो उनकी उनकी वेजेस तो बहुत ही ज़्यादा हाई होंगी। वो मुझे अभी इतना पता नहीं है बिकॉज मैंने उनसे ज़्यादा बात नहीं की। फिर उसके बाद फ्लैट बेड ट्रेलर्स आ जाते हैं। फ्लैट बेड ट्रेलर्स वो होते हैं जो पीछे से ओपन होते हैं, सो वो भी अच्छा होता है। उसमें आपको, उसमें फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा है एंड आपको सीखना पड़ता है वो हर एक चीज़, बिकॉज उसमें आपको चैंस वगैरह लगानी होती हैं, चीज़ों को सिक्योर करना होता है, बिकॉज वो जो ट्रेलर होता है वो ओपन होता है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर दैट ट्रेलर। जैसे कि ये बैक कर रहा है तो वो ऐसा ही होता है, खुला होता है वो, और मेरे पास जो है ट्रेलर वो बंद है जैसे कि आप देख सकते हैं। सो उसके ऊपर जब सामान रखते हैं सो वो पूरा का पूरा आपको प्रॉपर सामान पहले सिक्योर करना होता है, उसके बाद आप रख के जा सकते हैं। हम जा रहे हैं अब हाईवे पे। जब हमारा ट्रक सिंगल होता ना, जब उसके पीछे ट्रेलर नहीं होता, सो वो ऐसा दिखता है जैसे ही आपके सामने जा रहा है, इसको हम बॉब टेल कहते हैं। जब भी हमने कोई सामान उठाना होता तो हमें पीछे ट्रेलर हुक करना होता। अब हम इसको यहाँ से क्रॉस करेंगे, देखिए पीछे एक और ट्रक आ रहा है हमारे, उससे पहले क्रॉस करेंगे। ये देखिए ऐसे जाता ही है भाई, ये है जो लॉन्ग रूट पे जाते हैं, इनके इन ट्रक के पीछे ना पूरा गद्दा वद्दा का सारा सामान होता है। वो होता हमारा ट्रक मैप, इंटरेस्टिंग चीज, क्योंकि जो ट्रक होते हैं वो हाइट में इतने ऊंचे होते हैं, वो देखिए पुल से कितना सा थोड़ी सी हाइट उसकी रहती है बिल्कुल, सो हम लोग हर जगह से नहीं जा सकते, उसके लिए हमें ट्रक मैप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे जा रहा है हमारा ट्रक भी, जैसे ये आपको दिख रहा है साइड वाला। हाईवे में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है ना वो ये आती है कि भाई जब भी आप तेज़ जा रहे हो ना इतनी तेज़, एक तो ट्रक होता है लोडेड, ऊपर से इसको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, सो आपको ऑलवेज़ अपने मैप पे देखना होता है। लाइक मैं जब भी जाता हूँ ऑलवेज़ मेरा ध्यान इस मैप पे होता है, जैसे यहाँ पे ये आपको ऑरेंज और ये रेड दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये सारा स्टॉप है, मींस पूरा ट्रैफिक है, सो आप मैप पे आपका ध्यान रहता है कि आपको पहले ही पता चल जाता है आपको कहाँ से स्लो होना। सो ट्रकिंग बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली ड्राइव करना होता है, बिकॉज कार तो सडनली एकदम स्टॉप हो जाती है, उनकी ब्रेकिंग पावर इतनी ज़्यादा होती है, लेकिन ट्रक, ट्रक के इतने ब्रेक होते हुए भी वो स्टॉप नहीं होता, बिकॉज पीछे से पुल बहुत ज़्यादा होता है सामान का, बहुत ज़्यादा लोड होता है। सो अब जैसे यहाँ से पहले ही दिख रहा है मेरे को कि अब आगे बस ट्रैफिक आने वाला है, सो मैं उस हिसाब से अपना जाऊँगा धीरे धीरे यहाँ से। पर ये देखो दोस्तों, अगर किसी ने कभी कनाडा के हाईवेज नहीं देखे तो ये देखो, ये देखो यहाँ पे 1, 2, 3 या 4 लेन्स हैं, और उधर वहाँ पे भी 4-5 लेन्स हैं अपोजिट साइड में जाने वाले, बीच में डिवाइडर होते हैं, और ये कुछ ऊपर जा रहे हैं नॉर्थ बाउंड में, और वो अगर आपको आगे दिख रहा हो तो आगे सारा ट्रैफिक जाम है। आप अब बस यहीं से ही, ये हमारे आगे वाले ट्रक ने ब्रेक मारनी शुरू कर दी है। जब भी हमने ब्रेक मारनी होती है ना, 4 फ्लैशर ऑलवेज ऑन करते हैं हम लोग, क्योंकि पीछे वाले को पता चल जाए कि आगे ट्रैफिक जाम है, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हाईवेज पे कोई बहुत एक्सीडेंट देखे हैं जो लोग ध्यान नहीं देते रोड पे और सीधा आगे पीछे ठुक जाते हैं, बिकॉज इतनी स्पीड में जा रहे होते हैं और सडनली एकदम इतनी ब्रेक्स लग जाती हैं बिल्कुल जाम हो जाता है। ये देखिए 100 की स्पीड से बिल्कुल जीरो पे आ गए हम ऑलमोस्ट। भाई देखो पुल आ रहा है कितना खतरनाक।
सुंदर बहुत है टोरंटो देखने में। यहाँ पे बीच वगैरह भी है, बोटिंग वगैरह भी होती है, सब कुछ होता है, इतना सुंदर है ना। वो लेफ्ट साइड में मेरे सीएन टावर है देखो दोस्तों, कितना बढ़िया लग रहा है। वो सीएन टावर है भाई पूरा। हाँ जी, सो ट्रेलर लगा दिया बैक, चेक करते हैं एक बार। रानी सुंदरा को पूरा पीछे लगा दिया हमने ढंग से, वो एंड तक दूसरी साइड से भी आप लोगों को दिखाता हूँ। वैसे आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ये देखें पूरा
साथ में हमारे ये ग्राउंड है, बच्चे बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, पूरा नज़ारे ले रहे हैं। यहाँ से बैग लगाने के बाद भाई चेक कर लेते हैं इसको कि ढंग से लग गया ये। तो सब कुछ ठीक है, पेपर वर्क हमने उठा लिए हैं, सील्ड हमने ले लिया। कंप्लीट करने के बाद डोर को सील लगानी होती है और ट्रक हमने लॉक कर दिया। सो हम जा रहे हैं अंदर एंड करते हैं इसकी डिलीवरी, लेट्स गो। पहुंच चुके हैं वेयर हाउस के अंदर और मैं आपको कुछ छोटा बहुत सीन दिखाता हूँ कि वेयर हाउस का सिस्टम क्या होता है। सो, ऐसे होते हैं, अंदर से ये डॉक्स होती हैं, वहाँ हमारा ट्रक लगा है। अभी इसको खोल के और अनलोडिंग शुरू करेंगे। और ये होता है, फोकलिफ्ट्स होती हैं जिनसे ये अनलोड करते हैं। बढ़िया सिस्टम होता है। ये कुछ ऐसे होता है पीछे वेयर हाउस, जहाँ पे सारा सामान रखते हैं ऑफलोड करके। उसके बाद अंदर ये यहाँ पे स्टोर चले जाता है जहाँ से लोग सामान खरीदते हैं। सो, जहाँ पे अनलोडिंग अनलोडिंग स्टार्ट होती है वो कुछ ऐसा होता है देखने में सिनेरियो। ये हो रही है हमारी ऑफलोडिंग, ऐसे होता है बीच में सामान और ऐसे प्लेट लगा देते हैं ये लोग, फिर ऑफलोडिंग स्टार्ट हो जाती है। दिस इज हाउ वी डू ऑफलोडिंग, राइट ब्रो? राइट भाई। जी भाइयों, घर से जल्दी जल्दी निकलने के चक्कर में हमने कुछ खाया है नहीं और ट्रक लगा है वहाँ पे और सामने मुझे दिख गया है भाई सबवे। तो भाई सबवे जाएंगे, कुछ खाएंगे, चलो चलते हैं। यार पिज़्ज़ा खाया जाए या सबवे खाया जाए? सबवे खाते हैं, हेल्थी यार, पिज़्ज़ा इज नॉट गुड। लेट्स गो सबवे, लेट्स ऑर्डर समथिंग। Hi, how are you? हाँ जी दोस्तों, सो सारी डिलीवरीज करके हम हो चुके हैं बिल्कुल फ्री, जैसे कि आप देख रहे हो ये खड़ा हमारा ट्रक। अब हम मिलेंगे आपको नई वीडियो में, नई जगह पर और एक नए ब्लॉग के साथ। आई होप आप सबको मज़ा आया होगा इस ब्लॉग में। और अगर आपको कनाडा आने से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या फिर इस जॉब के बारे में कोई भी क्वेश्चन है कि ट्रकिंग की जॉब का क्या सीन है, सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। गुड बाय एंड टेक केयर।